गर्भावस्था के 8वें महीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये मेरा यही टॉपिक है और आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरी देखनी है। प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने आपको विशेष सावधानियों की ज़रूरत होती है, इसलिए पूरे 9 महीने तक अपना ख्याल रखना चाहिए। परंतु प्रेगनेंसी के 8वें महीने कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। 8वें महीने में और उसके बाद कोई भी लंबा सफ़र ना करें। यदि आप घर से दूर हैं या आपको कहीं दूर जाना जरूरी है तो आप 7वें महीने के अंत तक ही सफ़र करने के लिए कार्य पूरा करें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद कर दें दोस्तों। यदि चढ़ते उतरते हैं तो विशेष सावधानियां रखें, वरना आपका पैर फिसल सकता है, जिससे आपके बेबी को भी खतरा हो सकता है। 8वें महीने में ज़्यादा उठाने, नीचे झुकने आदि से बचें। एक स्थिति में खड़े रहने से भी बचें, क्योंकि इनसे आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है और शिशु पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो वो सही नहीं है। इनसे प्री मैच्योर डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आठवें महीने में प्रेग्नेंट महिला को अति पौष्टिक आहार लेना चाहिए, खूब घी खाना चाहिए, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, जूस, दूध और खूब पानी पिएं। जो भी खाएं या पिएं, एक साथ ज़्यादा ना खाएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके खाएं, क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। 8वें महीने में आपको विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर या आपको आपके शरीर में थोड़ा सा भी बदलाव दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कुछ महिलाओं को इस महीने में डिलीवरी हो जाती है। 8वें महीने में तनाव से दूर रहें, रोज़ सुबह नॉर्मल एक्सरसाइज करें और शाम के समय थोड़ी देर पैदल चलें, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। इस समय अच्छी नींद अति आवश्यक है, क्योंकि अच्छी नींद नॉर्मल डिलीवरी में मददगार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं।